गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोर्स जो कि फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उससे रिलेटेड कुछ जो पोर्स में जो पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे, कुछ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप इनको अपनी बुक में टिक लगा कर रख लीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देख के आप तो बुक में क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट लेसन का जो पोर्स में से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है वो है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, से लेकर के जो पैरा लिया गया है एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। यानी आप इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इनके फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, वॉट डज द वर्ड ड्रेड मीन। ड्रेड मीन्स क्या होता है, फियर, अवे, अपेरेंसिवनेस, मतलब क्या है ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट। आई कौन है इस एक्सट्रैक्ट में, मिस्टर हैमन है, फ्रेंड्स है, वॉचर्स है या पेडलर है। तो हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि आई मतलब कौन बोल रहा है, ये फ्रेंच है वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू नरेटर हाउ वाज द डे। डे के जो नरेटर है यानी ये जो हमें स्टोरी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग दिन किस तरीके का है, वार्म एंड ब्राइट, कोल्ड एंड डार्क, सनी एंड रेनी। तो आंसर है वार्म एंड ब्राइट। अगर हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इनके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। आपको नीचे आंसर्स दिए भी हैं लेकिन आप पहले खुद से रीड कीजिएगा। नाउ अब हम देखेंगे सी का चैप्टर का सेकंड एग्जांपल एक्सट्रैक्ट का। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ से है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, से लेके आपको दिया गया है कॉल्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ तक। तो आप बुक में इस पोर्स को देख सकते हैं, यानी एक्सट्रैक्टों को आप देख सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए इसी पोर्स के एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्राउड गैदर्ड, यानी क्राउड जो भीड़ है लोगों की वो कहाँ इकट्ठी हुई थी, एट द स्कूल, इन द मार्केट, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन द क्लास। तो इसका आंसर होगा सी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि जो क्राउड थी वो कहाँ इकट्ठी हुई थी, बुलेटिन बोर्ड के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी समानार्थी क्या होगा, मोर, इनफ, नॉट मोर देन, लेस। तो इसका आंसर होगा इनफ, मतलब प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त, इनफ जो पूर्ण हो। व्हाई वाज देयर अ यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास जो भीड़ इकट्ठी हुई थी ये क्यों हुई थी। तो ड्यू टू बैड न्यूज़, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो ऑल ऑफ दीज, बैड न्यूज़ थी ऑर्डर ऑफ बर्लिन के न्यूज़ आए, बर्लिन की से जो ऑर्डर आए थे उनको देखने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज के लिए। तो तीनों चीज़ें सही है क्योंकि ये जो न्यूज़ थी ये बैड न्यूज़ थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑर्डर थे जो बर्लिन से आए थे और यहाँ अब उन लोगों को नई लैंग्वेज पता लगने वाली थी, यानी जानने के लिए थी, और क्योंकि अभी तक जो वो लैंग्वेज अपनी खुद की मदर टंग्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या था, अब उन्हें वहाँ बर्लिन से जो आदेश आए थे उसके अकॉर्डिंग नई लैंग्वेज सीखनी थी। तो इसका आंसर होगा डी। अब आप लोग क्या करेंगे, ये कि अपनी जो बुक है उसमें इन एक्सट्रैक्ट को टिक मार्क लगा लेंगे और उसी में से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको वो ये क्वेश्चन भी आप उसमें पेंसिल से टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपसे चैप्टर का नाम और राइटर का नाम भी पूछा जा सकता है, यानी जो एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको थर्ड और फोर्थ नंबर के दो कोर्स के एक्सट्रैक्ट सेंड किए हैं। इन एक्सट्रैक्ट को आप रीड करके खुद इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा
और जहाँ तक होगा आंसर मैं बाद में जब भी आप अपन क्लास में आएंगे या नेक्स्ट क्लास में आपको इनके आंसर भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप इनको खुद से सर्च करने की कोशिश कीजिए। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।